आने के लिए बहुत शुक्रिया, अच्छा लगा तुम्हें देखकर। शादी मुबारक हो, अब मैं चलता हूँ। शुक्रिया। वैनराइन, तुम इतने जल्दी जा रहे हो? अभी तो बहुत फंक्शंस बाकी है। मुझे जाना है। ओ हाँ, आज तो शादी में बहुत सारे पब्लिशर्स आ रहे हैं, और भी आएंगे, मैं तुम्हें उनसे मिलवा सकती हूँ, जिससे तुम्हारी कविताएं और कहानियाँ पब्लिश हो सकती हैं। फिर कभी बात करते हैं। वैनराइन, ऐसा मौका जिंदगी में बार बार नहीं मिलता। बस एक बार तुम्हारी कविताएं इनकी नजर में आ जाए तो तुम्हारे हौसलों को पंख मिल जाएगी। क्या तुम ऐसा नहीं चाहते? तुमने इतना सोचा, इसके लिए शुक्रिया, मगर मैं ऐसा कुछ नहीं चाहता। वैनराइन, तुम्हारा मुझसे ऐसा रवैया उस लड़की की वजह से है ना? तुम हमेशा खुद को ही सही समझती हो। अरे तुमने वो वीडियो देखी? हाँ देखी तो। कितना अच्छा वीडियो था ना? भी एक ऐसी वीडियो हाँ, बना दूंगा, अभी बनाते हैं। कहाँ बनाओगे? चलो वहाँ पे चलते हैं ना। मैं तुम्हारा रोजाना वीडियो बनाकर उसी से पर अपलोड कर देती हूँ। देखो हजारों फॉलोअर्स हो गए हैं तुम्हारे, तो आज मैं उसके लिए खाना बनाया। आप लोगों को क्या लगता है, वो ये खाना खाकर मुझे अपना गर्लफ्रेंड बना लेगा? वाओ, मुझे नहीं पता था कि वो इसमें भी इतना माहिर होगा। लोगों के पास दिन में 24 घंटे होते हैं, लेकिन ये जो काम 24 घंटों में कर लेता है, मैं तो 48 घंटों में भी नहीं कर सकती। वाह क्या बात है, ये तो बहुत मेहनती है। आप सबको क्या लगता है, अगर मैं इसे सफाई में मदद करूँ तो मुझे ये अपना गर्लफ्रेंड बना लेगा? ये तो बुक स्टोर की सफाई कर रहा है। अरे रुको, कहाँ जा रहे हो? तुम्हारा इंटरव्यू लेती हूँ मैं। तुम इस जगह का दिन में कितनी बार सफाई करते हो? अगर तुम ना आओ तो एक ही बार सफाई होती है। और अगर मैं आऊँ तो कितनी बार? 4 या 5 बार। ऐसा क्यों? मैं तो तुम्हें परेशान भी नहीं करती। भागो नहीं इस तरह से बच्चों। हाँ ठीक है, क्या तुम लोगों को बबल्स देखना है बच्चों? एक दिन से ज्यादा दुखी नहीं रहे बात। अच्छी बात है, मुझे भी फिक्र करने की जरूरत नहीं। आराम से बच्चों। बबल वाटर खत्म हो गया, मैं लेकर आती हूँ, तब तक तुम लोग वहाँ जाकर खेलो, ठीक है? अरे पतंग को ठीक से पकड़ो, जब हवा चले तभी हाथ से छोड़ना। Thank you.
हम पहुंच गए। थैंक्स ड्रॉप करने के लिए। कैसा लग रहा है? तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुम्हारे ऑफिस तक छोड़ने आई। सच में बहुत ही अच्छा। मैं तो चाहूंगा हम रोज ऐसा ही करें। अभी भी दर्द है। तुमने मेरा इतना ख्याल रखा है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हो सकता है उस पेशेंट के घर वाले हॉस्पिटल में ही हो, कहीं वो तुम्हें दोबारा परेशान। मेरा कार्ड रखती अगर कोई प्रॉब्लम। मैं समझ गया, तुम मुझे कानूनी तौर पर इन सब चीजों से बचाना चाहती हो। चलो चलता हूँ, ध्यान से ड्राइव करना। यहाँ पे जो कुछ भी हुआ आप खड़े रहिए। जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। आपको क्या लगता है पेशेंट की फैमिली के साथ ऐसा होना चाहिए? आप लोग ऐसे ही चुप नहीं रह सकते। वहाँ मत जाइए। अचानक यहाँ मीडिया कैसे? कल वाले मामले की वजह से प्रॉब्लम हो गया है। पेशेंट के घर वालों ने मीडिया को जमा कर दिया। ये सब आपका इंटरव्यू लेना चाहते हैं। देखिए ना कैसे हंगामा कर रहे हैं। मैं कहता हूँ आप इन्हें मौका ही मत दीजिए। प्रॉब्लम सॉल्व तो करना है, हर बार टाल तो नहीं सकते ना। जो कुछ भी हुआ आप उसे भूल जाइए। आप बस ये सोचिए कि डायरेक्टर को आप क्या जवाब देंगे। सॉरी अभी हम इंटरव्यू नहीं दे सकते, अभी वक्त नहीं है। मैंने कहा ना अभी हम अवेलेबल नहीं है। ओ अच्छा तुम हो, मेरी बात ध्यान से सुनो, रोको उन्हें। उन्हें ये कह दो कि अस्पताल जल्द ही कोई एक्सप्लेनेशन देगा। पता है तुम्हें मैं अपना सारा काम छोड़कर इन फजूल कॉल्स में अपना वक्त जाया कर रहा हूँ। लड़ाई में अगर तुम्हारे हाथ में ज्यादा चोट आ जाती तो तुम कभी ऑपरेशन नहीं कर पाते, तुम्हारा कैरियर तबाह हो जाता। अच्छा और काबिल डॉक्टर बनना इतना आसान नहीं होता। बोलो जवाब दो मुझे। कोई जिम्मेदार इंसान होता तो सबसे पहले खुद को बचाता और उन सबसे खुद को महफूज रखता। उन बच्चों की जिम्मेदारी मेरे ऊपर थी। खैर गलती मेरी है, आप उन्हें सजा नहीं देंगे। ये इतनी छोटी बात नहीं है, अस्पताल अपने मुताबिक कार्रवाई करेगा। चलिए ठीक है फिर, पहले आप मुझे सजा दें। तुम घर जाओ और घर जाकर कुछ दिन आराम करो। अस्पताल खुद ही मरीज और मीडिया को अपनी तरह से निपटा लेगा। तब तक इस तूफान के थमने का इंतजार करो। कब तक नहीं आना मुझे? कम से कम एक महीना। बॉस क्या फैसला हुआ? डॉक्टर वेन, बेड नंबर 15 के पेशेंट की तबीयत बहुत खराब हो रही है। मैं सस्पेंडेड हूँ, पेशेंट नहीं देख सकता। सुनो मेरी जिम्मेदारी अभी अब तुम्हारी है। इतनी बड़ी जिम्मेदारी मुझ पे मत डालो। अब कर क्या सकते हैं, फैसला हो चुका है। अब करो नाइट शिफ्ट अकेले। मुझे ज्यादा मिस मत करना, जो भी करो ध्यान से करना, जिम्मेदारी बड़ी है। चलो जाओ, अब पेशेंट वेट कर रहा है तुम्हारा। क्या बात है, उदास होने की जरूरत नहीं है। हमेशा के लिए नहीं जा रहा हूं मैं, वापस आ जाऊंगा। सब अपनी ड्यूटीज अच्छे से करना, ठीक है? हम सब भी उसमें इन्वॉल्व थे, तो आपने पूरा इल्जाम अपने सर पे क्यों लिया? तुम सब बहुत छोटे हो, बड़े होने पर समझ जाओगे। वैसे मैंने तुम्हारे टीचर को कॉल कर दिए, माफीनामा लिखकर भेज देना उन्हें, कोई भी भूलना मत। और हाँ एक और बात, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें लिख रहा हूँ मैं यहाँ, पेशेंट्स को देखते हुए काम आएंगी ये। डायरेक्टर इन बच्चों को सजा मत दीजिएगा प्लीज। हॉस्पिटल में वैसे ही डॉक्टर्स कम हैं और कुछ रिटायर हो चुके हैं, हमें इन लोगों की जरूरत है। मैंने जैसा लिखा है वैसा ही करना, कोई गलती ना हो। तुम अब तक उदास हो, अपने काम पर जाओ। हम जब ये कोट पहनते हैं तो पेशेंट की हर तकलीफ की जिम्मेदारी हमारी हो जाती है।
ये बात हमेशा याद रखना। अब सब जाओ, मैं भी चलता हूँ। बॉस, हम आपके लौटने का इंतजार करेंगे। तुम इतनी जल्दी आ गई? जोंगजेन ने मुझे बताया कि तुम्हें सस्पेंड कर दिया। तुम तो ऐसे मुंह बना रही हो जैसे जंग पे जा रहा हूँ मैं। यूं समझो कि छुट्टियों पर हूँ मैं, जिनका इंतजार था मुझे। चलो आ जाओ, खाना खाते हैं। तुम ठीक हो? तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं है ना? परेशानी मुझे? इतनी बोरिंग थी मेरी जिंदगी, सारा दिन हॉस्पिटल में निकल जाता था। अपने लिए वक्त नहीं निकाल पाता था मैं। अब अच्छा है ना, अपने बहुत सारे काम निपटा लूंगा मैं, वो भी आसानी से। अच्छा, कितने काम? क्या क्या बताऊँ, बहुत बड़ी लिस्ट है। यानी चॉपस्टिक्स को क्या प्रिंट देना है, या फिर चिकन को और भी टेस्टी कैसे बनाना है? नहीं, इसके अलावा भी बहुत कुछ है, और उनमें सबसे इम्पोर्टेंट है तुम्हारा साथ। अब बाकी बातें बाद में। मैं जानता हूँ तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया होगा, तो चलो खाना खाते हैं। कैसा बना है? बहुत अच्छा है। चेंग चेंग, वैसे तुम काफी थक गई होगी, कैसे लग रहा है? मैं ठीक हूँ। ये लो, तुमने जो काम किया है उसके लिए। शुक्रिया। कोई बात नहीं, फिर मिलते हैं। मुझे लगता था कि अगर मैं जरा से भी रोशनी दूं, तो वो तन्हा कश्ती मेरी तरफ आ जाएगी। मगर सच तो ये है कि वो कश्ती कब की अपनी मंजिल की तरफ जा चुकी है। माना मैं तुम्हारी मंजिल नहीं हूं, हमारी ये कहानी पछतावे के अलावा और कुछ नहीं। गुड बाय। मैं प्रार्थना करती हूँ आने वाले वक्त में कोई भी तन्हाई तुम्हें कभी ना छू पाए।
सो के बेटा, भूल जाओ जो भी हुआ। आप पूछेंगे नहीं कि मैं अचानक से वापस क्यों आ गई? बिल्कुल भी नहीं। माँ बाप के लिए अपनी औलाद की खुशी ही सब कुछ होती है, और वो हमेशा उसकी भला ही चाहते हैं। आपको नहीं लगता कि मैं नाकाम लड़की हूँ? मैं तो बस अपना छोटा सा बिजनेस करना चाहती थी, अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती थी। आखिर ये सब इतना मुश्किल क्यों है पापा? जिंदगी हमेशा इंसान की इम्तिहान लेती है बेटा, और तुम्हारा भी इम्तिहान ले रही है, तो इसलिए ये उदासी तुम पर सूट नहीं करती। सूट नहीं करती? ठीक है, उसकी और मेरी दुनिया तो बहुत अलग है एक दूसरे से, तो हम कैसे सूट कर सकते हैं? ये किस तरह की बातें कर रही हो तुम? क्या तुम्हें किसी से प्यार हो गया है? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैंने आपको और मां को बहुत दुख दिया है। वैसे मैं भी माफी चाहता हूँ, मैंने तुम्हारी और तुम्हारी मामा का बहुत दिल दिखाया है, समझा नहीं तुम लोगों को, लेकिन मैं तुम दोनों से बहुत प्यार करता हूँ। तो अब तुम वापस घर चल रही हो ना? ब्रेकफास्ट हमेशा अच्छा होना चाहिए, क्योंकि अक्सर काम के प्रेशर में हम लंच स्किप कर जाते हैं। ये खाओ, इसमें बहुत सारे विटामिन्स हैं। तुम जितना दिमाग इस्तेमाल करती हो तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। प्रोटीन्स, मिनरल्स, इन सब की ज्यादा जरूरत है तुम्हें। हाँ, लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं। आपका लंच भी है, और अगर रात में देर हो जाए तो डिनर भी। क्या तुम फुल टाइम शेफ की जिम्मेदारी निभाओगे? काम में बिजी होते ही तुम खाना भूल जाती हो, और मैं ये नहीं चाहता कि तुम बाहर से कुछ ऑर्डर करो जिसमें ना प्रोटीन है ना न्यूट्रिशन जिसकी तुम्हें जरूरत है। और अभी तो मेरे पास बहुत वक्त है, रोज दिया करूंगा तुम्हें, बस तुम खा लेना। इतना एहसान मैं कैसे चुकाऊंगी? आसान है, मुझसे शादी करके। मुझे ऑफिस जाना है, अब मैं चलती हूँ। तुम गुजारो अपनी रिटायर्ड लाइफ, मैं तो चली। रुको, मैं आता हूँ। तुम्हें बाहर आने की जरूरत नहीं, तुम आराम करो। चलो ठीक है, नहीं जाता। चलती हूँ। इसमें झूठ बोलने वाली कौन सी बात है? मैं तो इसलिए आया ताकि खाने के बाद थोड़ी वॉक कर लूं, इसलिए सोचा ड्रॉप कर दूं। मैं थोड़ा फ्री हूं, मुझे लग रहा है। अच्छा, लेकिन कहां? किसी ज़ू में चलते हैं, क्या कहते हैं? हाथी, बकरी, चिड़िया। ये देखो चिड़िया है ना? हाँ। ये खरगोश है। खरगोश ऐसा नहीं होता, नीचे होगा उसका मुंह और ये दो काम। अब हुआ खरगोश। बिल्कुल सही कहा। अब तुम वापस जाओ, वरना मुझे पहुंचने में देर हो जाएगी। और जल्दी सो जाना, क्योंकि सुबह जल्दी।
वापस जाओ, तुम मुझे घर के नीचे तक छोड़ने वाले हो। अच्छा ठीक है, जा रहा हूँ मैं। टाइमली खाना खा लेना। अभी तक सिर्फ 8 बजे हैं। मैंने तुम्हारी सारी कविताएं पढ़ी हैं, सबके सब तो मुझे समझ नहीं आए, लेकिन ये जरूर समझ गई कि उसमें बहुत दर्द छुपा है। तुम उन्हें लिखते हुए बहुत बहुत उदास थे, खुश नहीं थे तुम। जब मूछ जैसे बेवकूफ लड़की तुम्हारे अंदर के अच्छे इंसान को भाप सकती है, तो मुझे यकीन है कि हम दूसरे भी भाप सकते हैं। जी बताइए। हेलो, आप वेन रैंग हैं? जी बिल्कुल, बात क्या है? आपके किताब का शेयरिंग सेशन का वेन्यू फिक्स हो गया है। कौन सी किताब की बात कर रहे हैं? जी आपकी किताब बादलों में किले। मिस जैंग ने कहा आपसे कांटेक्ट करने के लिए। आप इस हफ्ते फ्री है ना? शेड्यूल देखकर बता दूंगा। ओके। उम्मीद नहीं थी हमारी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी होगी, हमें कितनी तारीफें मिली, मैं बहुत खुश हूँ। हाँ, इसलिए क्योंकि हमारी परफॉर्मेंस ही इतनी अच्छी थी, और फिर तुम गाती भी कितनी अच्छी हो। लेकिन इसकी अहम वजह तो मेरा गिटारिस्ट है, जो कि बहुत हैंडसम भी है। ये लो। वैसे सही कहते हैं कि वक्त गुजर जाता है, पता ही नहीं चलता। हाँ, तुम्हें याद है हम पहली बार कैसे मिले थे? ये मैं कैसे भूल सकता हूँ। मुझे भी याद है, तुमने कुछ ऐसे ही कपड़े पहने थे और स्कूल के गार्डन में गिटार बजा रहे थे, और तुम्हारे चारों तरफ लड़कियां बैठकर तुम्हें चीयर अप कर रही थी। और हाँ, तुमने उसी वक्त गाना शुरू किया था जब मैं गिटार बजा रहा था, और तुम उस वक्त एक रेड ड्रेस में थी और पूरे ऑडियंस की नजर बस तुम पे थी। तो मैं भी यही सोच रहा था कि ये लड़की कितनी कमीनी है ना, जो इतना सुरीला गा रही है। तो क्या उसी वक्त तुमने मुझे पसंद कर लिया था? अच्छा, तो चूंकि हम दोनों यहाँ अपने रिश्ते की दूसरी सालगिरह मना रहे हैं, तो इसलिए मेरे पास एक गिफ्ट है। आंखें बंद कर लो, देखना मत। नहीं देखूंगा, जल्दी करो। अब खोल लो आंखें। ये मेरे लिए? खोलो तो सही, अब खोलो भी ना। ये ब्रांड तो काफी महंगा है, पैसे कहां से आए बताओ ना मुझे। मैं काफी टाइम से पार्ट टाइम जॉब कर रही थी ना। ओ वेनरा, क्या तुम्हें ये पसंद नहीं आया? मैं तुमसे कह रही हूँ ना, ये आम गिटार नहीं है, ये एक स्पेशल गिटार है। देखो इसमें तुम्हारा और मेरा नाम भी लिखा है, और तुम यूँ समझो कि ये गिटार मैं हूँ। जब तक ये तुम्हारे पास होगा तो समझना कि मैं तुम्हारे पास ही हूँ और तुमसे दूर नहीं जाऊँगी। मगर तुम्हें जाना क्यों है? मैं एक इंसान के लिए पूरी दुनिया तो नहीं छोड़ सकती ना। कौन सी पूरी दुनिया की बात कर रही हो? हम कितने सालों से एक साथ हैं, तुम हमेशा से मुझसे यही कहती आ रही हो कि मैं जो हूँ जैसा हूँ वैसा ही पसंद हो तुम्हें, और मैं तो एहसानमंद हूँ तुम्हारा, और मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ कि तुमने इतना पार्ट टाइम जॉब करके मेरे लिए इतना महंगा गिटार खरीदा। हाँ तो समझ लो वो लड़की मर चुकी है। मैं उस वक्त यंग थी, बेवकूफ थी, मेरी नजर में अहम बस गिटार था, गाने थे और तुम थे। मगर अब मैं बदल चुकी हूँ और मुझे बहुत कुछ चाहिए जो तुम नहीं दे सकते।
सुनो, वहाँ के सारे लाइट्स ऑन कर दो। अभी तक पूरा नहीं किया? तुम जाकर वहाँ की लाइट चेक करो। तुम यहाँ कैसे? जी आंगियो, मैं ये गिटार लौटाने आया हूँ। तुम्हें इसका मतलब याद नहीं है क्या? सब अच्छी तरह याद है मुझे, इसलिए तो वापस करने आया हूँ। अच्छा ठीक है, अगर तुम ऐसे अपनी किताबें नहीं बेचना चाहते तो इसीलिए मैंने इतने बड़े बुक फेयर का इंतजाम किया है सिर्फ तुम्हारे लिए, और तुम इसे लेकर। तुम जानती हो कि ये बात बुक फेयर की नहीं है, ये रिश्ते को खत्म करने का वक्त है। तुमसे नफरत करने के बावजूद तुम्हारे पास लौटना चाहता था, यही मेरी बेवकूफी थी कि उस वक्त मैं कुछ समझ नहीं पाया, और ये हरकतें शायद तुमसे मिलने के बाद भी मैं करता रहता, लेकिन मुझे पछतावा है और अफसोस भी है। खैर अब सब कुछ समझ चुका हूं मैं कि तुम्हारे लिए जज्बात सिर्फ मेरा लगाव था। वर्तमान में रह के अतीत को कुरेदना बेमायने होता है। क्या मेरी कोई अहमियत नहीं? मुझे याद है कि तुमने मुझसे एक बार कहा था कि तुम्हें हमेशा वो रेड ड्रेस वाली लड़की याद रहेगी जो लोगों की भीड़ में इतनी सुरीली आवाज में गाना गा रही थी। तुम्हें ने कहा था ना कि तुम मुझे बहुत पसंद करते हो, तुम मुझसे दूर नहीं जाओगे और हमेशा मेरे साथ रहोगे। क्या ये सब बातें तुम्हारे लिए कोई मायने नहीं रखती? जियांगियो, तुम जैसे हुआ करती थी अब ऐसी नहीं रही, जबकि मुझे अपने आप पर यकीन था कि मैं नहीं बदलूंगा, पर हालात ने मुझे भी बदल दिया। लेकिन तुम, मैं ही सोचती थी कि मैंने वापस आने में देर कर दी, कुछ टाइम पहले आ जाती तो हम दोनों साथ होते और इतनी दूरियां भी ना होती। मैं भी खुद से यही सवाल करता रहता था कि अगर हम साथ होते तो सब कुछ बहुत अलग होता, या शायद नहीं होता। लेकिन जवानी में लोग बहुत जिद्दी होते हैं, कोई किसी के लिए नहीं बदलता। हमारे पास एक ही मौका होता है रास्ता चुनने का, लेकिन हमारा फैसला गलत था। मैडम, मुझे वो ग्लास फिश चाहिए जो मैंने पिछली बार देखी थी। शायद ये वाली थी ना? क्या ये वही है? इस बार गलती नहीं करूंगा। तो तुम इस केस के लिए पूरी तरह से तैयार हो ना? जी, बेंच के दोनों जजेस के ट्रायल प्रोसीजर्स पढ़ रही हूँ ताकि मेरी तैयारी हो जाए। बहुत खूब, मिस्टर शेंगान के लिए ऐसी ही एक असिस्टेंट चाहिए थी। अब तुम इतनी बार ये वीडियो देख ही चुकी हो,
तो ये बताओ कि क्या सीखा तुम? इस लाइन के मुताबिक एग्जिबिट नंबर 5 को इस तरह से प्रेजेंट करना है। इस फ्रेज को यहां पर बस ऐसे लिख दो। जी मैं समझ गई, दोबारा ठीक करके लाती हूं। एक और बात, ट्रायल कुछ ही हफ्तों में शुरू हो जाएगा, थोड़ा आराम कर लो और तैयार हो जाओ। जी बिल्कुल, शुक्रिया मिस्टर शेंगवान। चल रहा है, मेरी मदद चाहिए? ठीक है सब कुछ, मेरी फिक्र मत करो। बहुत ज्यादा काम तो नहीं है यहाँ पर, बस कुछ ही सामान है वो मैं पैक कर लूंगी, बिल्कुल चिंता मत करो। कोंगरोंग, तुम इस बारे में कुछ भी वेन शॉकिंग को मत बताना, मैं अपने आप को संभाल सकती हूँ और बहुत जल्द ठीक भी हो जाऊंगी। मेरी प्यारी दोस्त, मैं फ्री हुई तो जल्द हम शॉपिंग पर चलेंगे, बहुत एंजॉय करेंगे। अगर जियांगियाओ नहीं होती तो क्या फिर भी हम दोनों एक नहीं हो सकते थे? तुम्हारा काम तो अच्छा चल रहा था, फिर किराए पर क्यों दे रही हो? ये तो बस छोटा सा एक बिजनेस था, इसमें इतना अच्छा क्या था? और ये तो अच्छे होने की गरीब थी। ऐसी भी कोई बात नहीं, तुमने ही कहा था कि कारोबार में उतार चढ़ाव होता है, मुनाफा नहीं खुद को एस्टैब्लिश करना ज्यादा जरूरी होता है। वो
सब कुछ तो एक बचपना था, एक ख्याली दुनिया थी। लोग हमेशा के लिए अपने फैंटेसी में तो नहीं रह सकते ना, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना चाहिए। अब तुम मेरे दोस्तों को ही देख लो, उन्होंने अपने बलबूते पर कितनी कामयाबी हासिल कर ली है, और इधर मैं बिना वजह अपने वक्त बर्बाद कर रही थी। तुम्हारी सोच कैसे बदल सकती है? कोई परेशानी हो तो बताओ। नहीं तो शायद मैंने अपने लिए गलत रास्ता चुन लिया था, लेकिन अब सही रास्ता चुनना चाहती हूँ। मेरे पास तुम्हारे और हाँ, ये रख लो तुम। चीजें समेटते हुए मुझे ये मिल गई थी, अब इसको मेरे पास रखने का कोई मतलब नहीं है। मेरा बॉयफ्रेंड आ गया है मुझे लेने, अब चलती हूँ मैं। बाय बाय। दुखी मत हो बेटा, हमारी माँ और मैं हमेशा तुम्हारे साथ हैं।